आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थोटिक, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, जो कि ISO डेफिनेशन यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस यानी एक एक्सटर्नली अप्लाइड मेडिकल डिवाइस है जो मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम को। ऑर्थोसिस यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज द सपोर्टिंग डिवाइस, यानी बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके जो फंक्शन है वो यहाँ पे है मेनली सपोर्ट, पहला। दूसरा है करेक्ट डिफॉर्मिटी लाइक काइफोसिस, स्कोलियोसिस, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, उसमें आएंगे इमोबिलाइजेशन वगैरह, इमोबिलाइजेशन एंड हीलिंग। हीलिंग है वो मेनली बर्न्स जो पेशेंट है उसमें आएगा। तो ये थे ऑर्थोसिस के बारे में। अब देखेंगे व्हाट इज ऑर्थोटिक्स। ऑर्थोटिक्स है वो एक ब्रांच है साइंस की जो कि पेशेंट को ट्रीट करती है बाय यूजिंग ऑर्थोसिस। और ऑर्थोटिस्ट यानी कि जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट, वैसे ही ऑर्थोटिक्स। उसके बाद व्हाट इज प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस यानी कि ये भी एक एक्सटर्नली अप्लाइड डिवाइस है जो कि रिप्लेस करता है पार्शियली और होल बॉडी पार्ट बाय आर्टिफिशियल डिवाइस। इस आर्टिफिशियल डिवाइस को बोलेंगे हम प्रोस्थेसिस। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं प्रोस्थेसिस के, तो जो सबसे पहला है वो है अबोव नी प्रोस्थेसिस, यानी कि नी से ऊपर एम्प्यूटेशन हुआ हो तो उसमें जो प्रोस्थेसिस दिया जाता है उसका नाम है अबोव नी प्रोस्थेसिस। बिलो नी प्रोस्थेसिस यानी कि नी से नीचे एम्प्यूटेशन हुआ हो तो ओबो एल्बो प्रोस्थेसिस एंड बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस। तो ये थे प्रोस्थेसिस के बारे में। अब हम देखते हैं प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स यानी कि ये साइंस की ब्रांच है जो कि पेशेंट को ट्रीट करती है बाय यूजिंग प्रोस्थेसिस और प्रोस्थेटिस्ट जैसे डेंटिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, वैसे ही। अब हम देखते हैं ऑर्थोसिस के एग्जाम्पल। तो ऑर्थोसिस के एग्जाम्पल में जो सबसे पहला है, हम सभी तो नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, पर जो मेन मेन जो क्लिनिक में यूज होते हैं मोस्टली वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है AFO। AFO यानी कि एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं उसके वेरियस टाइप होते हैं, लाइक ये है प्लास्टिक AFO, उसके अलावा मेटालिक AFO आता है। तो वैसे ही इसके टाइप होते हैं। उसके इंडिकेशन में है टेलीपस कैल्केनियस, यानी कि पेशेंट जब कैल्केनियस बोन है उस पर चलता हो तो वैसी डिफॉर्मिटी है तब ये यूज किया जाता है। उसके अलावा टेलीपस इक्वाइनस, इनवर्जन और इरवर्जन जो फुट की डिफॉर्मिटी है उसे करेक्ट करने के लिए जो AFO है उसका यूज होता है। दूसरा है SMO यानी कि सुप्रा मिल्युलस ऑर्थोसिस। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो सुप्रा मिल्युलस यानी कि जहाँ पे हमारा मीडियल मिल्युलस और लेटर मिल्युलस होता है उससे ऊपर उसकी जो ट्रीम लाइन है वो आती है। उसके इंडिकेशन है एंकल सपोर्ट। KAFO यानी कि नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है उसके इंडिकेशन में आएगा कि जब फीमर फ्रैक्चर हो तब, पैराप्लेजिया पेशेंट हो तब, हेमीप्लेजिया पेशेंट हो तब। मेनली ये लेग है उसको जो अलाइनमेंट है उसे करेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो उसके भी वेरियस टाइप आते हैं। HKFO यानी कि हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, यानी कि हमारा पूरा जो लोअर लिम है उसके सपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली पैराप्लेजिया पेशेंट है उसमें लोअर लिम है उसका पूरे सपोर्ट के लिए। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो नीचे का जो पोर्शन है वो लाइक KFO लाइक है, पर उसमें अगर पेल्विक बेंड जो यहाँ पे है वो अटैच किया जाए तो ये बन जाएगा HKFO। THKFO यानी कि थोरेको हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। उसके इंडिकेशन में आएगा कि हमारा थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस और हमारा पूरा जो लोअर लिम है उसके सपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। PTB ब्रेस यानी कि पटेला टेंडन बियरिंग ब्रेस, जो कि एक फ्रैक्चर ब्रेस है। मेनली लेग बोन है जो हमारे टिबिया और फिब्यूला, उसमें अगर फ्रैक्चर हो
तो उसके सपोर्ट के लिए जो ब्रेस यूज किया जाता है उसका नेम है पीटीबी ब्रेस, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ह्यूमरस ब्रेस जो कि एक फ्रैक्चर ब्रेस है, मेनली ह्यूमरस के जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें, और जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है जो कि ह्यूमरस का ही एक फ्रैक्चर है, और एल्बो में अगर इंजरी हो तो उसके लिए जो वेरियस टाइप्स है फ्रैक्चर ब्रेस के, उसका यूज किया जाता है। मेनली इसका जो नेम है वो सार्मेंटो ब्रेस भी है, पर सार्मेंटो जो ब्रेस है उसमें जो हमारा शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो दोनों क्या होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, पर इसमें ह्यूमरस ब्रेस है उसमें हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो इमोबिलाइज होता है, जबकि एल्बो जॉइंट है वो मोबिलाइज होता है। ये जो शोल्डर है वो इमोबिलाइज होता है ह्यूमरस ब्रेस में, जबकि सार्मेंटो ब्रेस है उसमें दोनों जॉइंट है वो क्या होते हैं, मोबिलाइज होते हैं। नेक्स्ट है कोकअप स्प्लिंट। तो कोकअप जो स्प्लिंट है उसमें दो टाइप आते हैं, फुल कोकअप एंड हाफ कोकअप। जो फुल कोकअप है उसमें एल्बो जॉइंट है उसको इंक्लूड किया जाता है, जबकि हाफ कोकअप है उसमें, आप फिगर में देख सकते हो, ये है हाफ कोकअप जिसमें एल्बो जॉइंट है वो इंक्लूड नहीं किया जाता, मेनली क्लो हैंड और जो अब्स पाल्सी का जो पेशेंट है उसमें यूज किया जाता है। क्लो हैंड है उसमें हाफ कोकअप दी जाती है, जबकि अब्स पाल्सी है उसमें फुल कोकअप है वो दी जाती है। नेक्स्ट है आरएनपी स्प्लिंट। आरएनपी स्प्लिंट यानी कि रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट, यानी कि रेडियल नर्व है उसमें अगर इंजरी हो उसके दौरान इसका यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो रेडियल नर्व है वो जो पोस्टियर कंपार्टमेंट है आर्म और फोरआर्म इन दोनों में सप्लाई करती है, यानी कि व्रिस्ट ड्रॉप जब होता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। पीकेजी ब्रेस यानी कि पोस्टीरियर नी गार्ड ब्रेस, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जब जो नी ज्वाइंट है उसमें अगर कॉन्ट्रेक्चर कुछ हो तो उसे स्ट्रेट रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट है उसमें भी यूज किया जाता है ये पीकेजी। एलएसओ यानी कि लंबो सेक्रल ऑर्थोसिस, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये जो लंबर और सेक्रम रीजन है अगर इसमें कोई डिफॉर्मेटी हो और लो बैक पेन हो तो एलएस है इसका यूज किया जाता है। डीएलएसओ, इसको TLSO भी बोला जाता है क्योंकि थोरेको लंबो सेक्रो ऑर्थोसिस और डोर्सो लंबो सेक्रम ऑर्थोसिस, इसका इंडिकेशन में आया गया कि जो थोरेसिक लंबर और सेक्रम रीजन है उसमें पेन हो तो काइफोसिस और स्कोलियोसिस के जो अर्ली स्टेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTLSO यानी कि सर्वाइको थोरेको लंबो सेक्रम ऑर्थोसिस, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो पूरा जो हमारा बैक कंपार्टमेंट है उसे कवर किया जाता है। सर्वाइकल कॉलर, सर्वाइकल कॉलर है तो उसके इंडिकेशन में आएगा कि सर्वाइकल स्पोंडाइलिसिस हो, सर्वाइकल वर्टिग्रा में फ्रैक्चर हो, तो इसे इमोबिलाइज रखने के लिए सर्वाइकल रीजन नेक को इसका यूज किया जाता है। उसके दो टाइप है, सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर और सेमी रिजिड सर्वाइकल कॉलर, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये जो सेमी रिजिड है वो प्लास्टिक मटेरियल का आता है, जबकि सॉफ्ट है उसमें क्लूजन लाइक मटेरियल का यूज किया जाता है। सोमी ब्रेस यानी कि स्टर्नो ओसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर ब्रेस, सर्वाइकल स्पोंडाइलिसिस हो उसमें इसका यूज किया जाता है, मेनली जो नेक है उसके इमोबिलाइजेशन के लिए। इंसोल, तो उसके इंडिकेशन में आएगा फुट में पेन हो लाइक हील पेन। पेस प्लेनस यानी कि फ्लैट फुट हो, तब पेस केवस यानी कि जो हमारी मीडियल आर्च है वो अगर हाई हो तो उसके लिए डायबिटिक फुट में प्रिवेंट के लिए इंसोल है उसका यूज किया जाता है। TRS यानी कि टो रेजिंग स्प्लिंट, मेनली जो फुट ड्रॉप के पेशेंट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। अब हम प्रोस्थेसिस जो है उसके बारे में बेसिक डिटेल और उसके कंपोनेंट देख लेते हैं। तो ये जहाँ पे फिगर आप देख रहे हो ये है बिलोनी प्रोस्थेसिस की फिगर है। अगर उसके कंपोनेंट के बारे में बात करें तो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये है फुट, जस्ट इसके ऊपर जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे होगा फुट एडेप्टर, उसके बाद अटैच होगा पायलोन, और पायलोन के ऊपर जहाँ पे पॉइंटर है ये चीज है ट्यूब क्लैंप एडेप्टर, ट्यूब क्लैंप एडेप्टर के ऊपर होगा सॉकेट एडेप्टर, और सॉकेट एडेप्टर के ऊपर आएगा
सॉकेट, और सॉकेट के ऊपर सस्पेंशन के लिए जो स्लीव सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन है उसके वेरियस टाइप आते हैं, बट यहाँ पे जो दिखाया है वो है स्लीव सस्पेंशन। तो ये जो बिलो नी प्रोस्थेसिस है उसके कंपोनेंट है। अब हम देख लेते हैं अबोव नी प्रोस्थेसिस के कंपोनेंट। तो जो अबोव नी प्रोस्थेसिस है उसमें सबसे पहले आएगा फुट, उसके बाद आएगा फुट एडेप्टर, पाइलॉन, ट्यूब क्लैंप एडेप्टर, और यहाँ पे जो नी जॉइंट है वो इन्वॉल्व होगा। नी जॉइंट है उसके भी वेरियस टाइप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा रोटेटर, उसके बाद फिर से आएगा यहाँ पे सॉकेट एडेप्टर, और उसके बाद आएगा सॉकेट, और यहाँ पे भी जो सस्पेंशन सिस्टम है वो आती है। तो ये पूरी जानकारी थी अबाउट प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक के बारे में। ऐसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और ऑर्थोपेडिक के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए।